स्वागत है आपका अपने चैनल समीम सर में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने इस क्वेश्चन को इतना छोटा किया, इतना आसान शब्दों में बना दिया कि आपको एक बार वीडियो देखकर आसानी से याद हो जाएगा। और इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, और ये अपने आप में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनकर जो है साइंस के एग्जाम में 10th क्लास में आता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग तथा आवर्तों के गुण लिखिए, इसमें कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं। क्वेश्चन कई तरह से घूम के आता है, इसी में से पॉइंट बन के आते हैं कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं, एक नंबर का तो क्वेश्चन ये बन जाता है। कई बार ऐसा आता है आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों के गुण लिखिए, कई बार इस तरह से आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों के गुण लिखिए। पहले आपको एक नंबर याद रखना है 187। 187 का मतलब 18 इसमें वर्ग हो गए और 7 इसमें आवर्त हो गए। तो एक नंबर का क्वेश्चन यही आ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं। तो आप इजीली बता सकते हैं कि 18 इसमें वर्ग होते हैं और 7 इसमें आवर्त होते हैं। तो 187 नंबर आपको याद रखना है। फिर आता है इसमें आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों के गुण लिखिए। आवर्त क्या होते हैं, इधर वाली लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं सीधी सीधी, ये कितने होते हैं हमारे, 7 होते हैं। तो इनके कुछ गुण हैं। आवर्त वन, नंबर पहला क्या है, जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक बढ़ते हैं। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 से 8 तक बढ़ेंगे। पहले तक के संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहला गुण, तो इसमें हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तब तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक घटती है। मतलब ऐसे याद रखो, पहले तत्व की संयोजकता 1, फिर अगले की 2, फिर उससे अगले की 3, फिर उससे अगले की 4, फिर उससे अगले की 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। समझ गए, 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ेगी और 4 से 0 तक घटेगी, और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 1 से 8 तक बढ़ते हैं। दो पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट हमारा ये है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हमारा परमाणु साइज जो है घटता है, ये कह लो कि परमाणु त्रिज्या घटती है। पहला जो हमारा परमाणु होगा बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आप इस तरह से याद रख लो, इस तरह से किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये हो जाता, ठीक है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज घटता है अथवा परमाणु त्रिज्या घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धात्विक गुण घटते हैं। अब ये समझ लो, जितनी भी धातु होती है उनका परमाणु बड़ा होता, जब परमाणु छोटा होता चला जा रहा है तो उनके धात्विक गुण भी जो है घटते चले जा रहे हैं। ये कह लो कि धात्विक गुण घटते हैं और अधात्विक गुण बढ़ते हैं, अधातु वाले गुण इनमें आते चले जाते हैं। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता 1 से 4 तक घटती है और फिर जो है बढ़ बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, मतलब उनके अम्लीय गुण जो हैं बढ़ते हैं, या ये कह लो क्षारीय प्रकृति घटती है। आवर्त सारणी के वर्गों के गुण, वर्गों में हम ऊपर से नीचे जाने पर देखेंगे, तो वर्गों का पहला गुण क्या है, प्रत्येक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। जैसे पहले वाले के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पांचवे के, सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक ही होगा। दूसरे वाले वर्ग में 2 होंगे, तीसरे वाले में 3, चौथे में 4, समान होते हैं ऊपर से नीचे तक। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तब तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है, जब हम ऊपर से किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तब तत्वों की संयोजकता भी समान रहती है। तो संयोजक तो समान रहेगी, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है तो संयोजकता ऑब्वियसली समान रहेगी। तीसरा पॉइंट है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इस तरह से याद रखना, उसमें आवर्त में ये और वर्ग में ये, ठीक है। आवर्त में परमाणु साइज घटता है और वर्ग में बढ़ता है। क्लियर हो गया। तो जो है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। चौथा पॉइंट है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं और अधात्विक गुण घटते हैं। क्लियर हो गया होगा। पांचवा पॉइंट, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। छठा पॉइंट है हमारा, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अम्लीय प्रकृति समान रहती है, तत्वों की अम्लीय प्रकृति समान रहती है। ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो तत्वों की जो अम्लीय प्रकृति होती है, जो अम्लीय गुण होते हैं, वो समान रहते हैं। तो मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। ये था आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग तथा आवर्तों के गुण। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें से क्वेश्चन भी बन के आएगा। इसमें अगर आपको ये पॉइंट होंगे तो आप इजीली जो है इसके आंसर निकाल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए इधर से इधर जाने पर परमाणु साइज में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या चेंज होता है, संयोजकता समान रहती है या नहीं रहती है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। तो मैं समझता हूँ ये आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं था समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल समीम सर। हमारे इस चैनल को देखते रहिए, हमारा मतलब है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। जय हिंद, जय भारत।